अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अमेजिंग साइंस क्लास 7 की यूनिट नंबर 2 जो कि ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स है उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो एक्टिविटीज़ पेज नंबर 17, एक्टिविटीज़ में क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, विच पार्ट ऑफ द अपरेटस रिप्रेजेंट द लंग्स। तो ये अपरेटस है बेटा, और इसमें लंग्स को कौन सी चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये बैलून जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लिखेंगे बैलून इन द अपरेटस रिप्रेजेंट दी लंग्स, ठीक है। और दूसरा है बी पार्ट, विच गैसेस आर एक्सचेंज इन द लंग्स, तो कौन सी गैसेज होती हैं लंग्स में एक्सचेंज होती हैं। तो बी का ये आंसर है, ऑक्सीजन इज़ टेकन इन, ऑक्सीजन अंदर जाती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से मैंने रिप्रेजेंट किया इसको, इज़ गिवन आउट, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर निकलती है। आगे क्वेश्चन है सी, वेयर इन द लंग्स डज गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस। तो इसका आंसर है इन द एयर सैक्स। और क्वेश्चन नंबर डी है, एक्सप्लेन वाई वी ब्रीथ अवर मोर कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रीथ आउट मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन वी ब्रीथ इन। तो इसका आंसर है डी का, फूड इज ऑक्सीडाइज इन द सेल एंड एनर्जी, फूड जो होता है वो सेल और एनर्जी में ऑक्सीडाइज होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड आर रिलीज्ड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की होती है वो रिलीज होती है, ठीक है बेटा। उसके बाद है नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 18 पे एक्सरसाइज शुरू हो रही है, नेम द करेक्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम्स। फूड नंबर ए, ए जो है फूड इज ब्रोकन इंटू स्मॉल पीसेस बाय द टीथ। बी है डाइजेशन स्टार्ट इन दी माउथ। सी है गैस्ट्रिक जूस इज प्रोड्यूस इन दी स्टमिक। और डी है पेंक्रियाटिक जूस कम्स फ्रॉम पेंक्रियाज। नंबर ई है बाइल इज मेल्ट इन दी लीवर। एफ है इंटेस्टाइनल जूस इज मेड इन दी ग्लैंड्स इन दी इंटेस्टाइन। आगे है जी, वाटर इज अब्जॉर्ब फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इन दी लार्ज इंटेस्टाइन। एच एफ फीसेस आर पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। आई है अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस थ्रू दी विली। उसके बाद क्वेश्चंस हैं, टू का ए पार्ट, डिफाइन रिस्पायरेशन, ड्रा दी रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड लेबल इट। तो इसका आंसर है बेटा, आप पेज नंबर खोलें 15। तो पेज नंबर 15 पे सेकंड पैराग्राफ, रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन और ऑक्सीडाइज इन द बॉडी टू रिलीज एनर्जी। और इसकी जो डायग्राम आपने बनानी है, ये वाली डायग्राम बनानी है, और इसी तरह आपने इसका लेबल कर लेना है, ठीक है बेटा। तो टू का बी पार्ट है, व्हाट गैस इज नीडेड फॉर रिस्पायरेशन। तो टू का बी पार्ट बेटा शुरू हो रहा है, ये यहाँ से पेज नंबर 15 से, द बॉडी टेक्स इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर फॉर रिस्पायरेशन। और टू का सी पार्ट है, व्हाट गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय रिस्पायरेशन, सी पार्ट है। तो उसका आंसर है, इट गिव्स आउट दी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और टू का डी पार्ट, वेयर डज गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन दी लंग्स। तो दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन दी लंग्स, ठीक है। कौन सी गैसेस एक्सचेंज होती हैं, मतलब टू का डी पार्ट तो आप सारे ही कर लें, द बॉडी टेक्स इन ऑक्सीजन यहाँ से लेकर, द बॉडी से लेकर यहाँ तक, डी तक, ठीक है। और ई है, विच स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट्स द लंग्स। तो 15 पेज पर, द रिब्स प्रोटेक्ट द लंग्स। और एफ पार्ट है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड बर्निंग।
ब्रीथिंग और बर्निंग को आपने डिफ्रेंशिएट करना है। तो ब्रीथिंग की तरफ हम आते हैं, ये देखें कंपेयरिंग रिस्पायरेशन एंड बर्निंग, कंपेरिजन बिटवीन रिस्पायरेशन एंड बर्निंग ये भी कर सकते हैं। सिमिलैरिटीज भी करनी है कि कौन सी चीज़ बर्निंग और रिस्पायरेशन में सिमिलर होती हैं और कौन सी चीज़ डिफरेंट होती हैं। तो ये 2F आपने यहाँ से यहाँ तक पूरा कर लेना है, ठीक है बेटा। और उसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन द करेक्ट सीक्वेंस टू शो व्हाट हैपन्स व्हेन वी ब्रीथ, ठीक है। तो ये पूरे मतलब 8 लाइनें लिखी हुई हैं, तो इन आपने अरेंज करना है कि किस तरह रिस्पायरेशन के अंदर में कौन सी चीज़ पहले आती है फिर दूसरे नंबर पे आती है। तो नंबर वन आता है डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, नंबर टू है द इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, नंबर थ्री है द चेस्ट गेट्स लार्जर, नंबर फोर है एयर इज सक्ड इन टू द लंग्स, नंबर फाइव है द डायफ्राम रिलैक्सेस, और नंबर सिक्स है द इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स, नंबर सेवन है द चेस्ट गेट्स स्मॉलर, और नंबर एट है एयर इज फोर्स आउट ऑफ द लंग्स। उसके बाद है लेबल लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। तो ये वही डायग्राम है जो कि क्वेश्चन में थी आपकी पेज नंबर 15 पर, ये वाली। तो आपने इसी तरह इसको लेबल कर लेना है और इसको याद कर लेना है, ठीक है बेटा। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।